नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष राजस्व संग्रह क्षेत्र के विभागों की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद कहा है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना से मृत्यु दर में कमी के लिए व्यापक पैमाने पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए प्रदेश में उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन करने की दिशा में कार्रवाई तेज करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सड़क परिवहन निगमों की बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन निगम की बसों द्वारा पार्सल या कोरियर सेवा शुरू करने के लिए आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 26,000 से अधिक गांवों को परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ा गया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रयास किया जाए जहां बस सेवा संभव है उसको बस परिवहन सुविधा का लाभ दिलाया जा सके। सीएम योगी ने 2,000 नई अनुबंधित बसों को निगम के बेड़े में शामिल करने और 5,000 नई बसों को बेड़े में शामिल करने की कार्रवाई तेजी से अमल में लाने के निर्देश भी दिए। 3 दिवसीय दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवेंद्र कुमार जुगन्नाथ ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान लगभग 1 घंटे चली वार्ता में निवेश और व्यापार की संभावनाओं पर विचार किया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवेंद्र कुमार जुगन्नाथ को प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक व क्रांति की भूमि उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री प्रवेंद्र कुमार जगन्नाथ के आगमन पर धन्यवाद। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रवेंद्र कुमार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से आयोजित भोज में शामिल हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ दिल्ली जाने के लिए वाराणसी एयरपोर्ट पर रवाना हो गए। गांव-गांव में छोटे खेल मैदानों से निकलने वाले खिलाड़ियों को योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ी बड़ी सौगातें देने जा रही है। पहले चरण में 100 ग्राम पंचायतों में उन्होंने खेल मैदानों को विकसित करने और वहां ओपन जिम खुलवाने के लिए बड़ी तैयारी की है। खिलाड़ी खेलने के साथ अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखे इसकी चिंता सरकार कर रही है। खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को खेल की सुविधा उपलब्ध कराना योगी सरकार का कहना है कि उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। दरअसल खूब खेलो खूब पढ़ो मिशन को साकार करने में जुटी राज्य सरकार का ध्यान गांव-गांव से निकलने वाले खिलाड़ियों पर सबसे अधिक है। पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले ये खिलाड़ी सुविधाओं से वंचित ना रहे इसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। युवा कल्याण विभाग मनरेगा योजना से ग्राम पंचायत स्तर पर गांव-गांव तक खेलों के मैदान और ओपन जिम की व्यवस्था करने में भी लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने और प्रदेश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा को तेज करने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य खेलों में उत्तर प्रदेश को देश के अंदर अग्रणी राज्यों के रूप में स्थापित करना है। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और गौरतलब है कि पूर्व के कार्यकाल में योगी सरकार ने 19 जनपदों में 16 खेलों के प्रशिक्षण के लिए 40 से अधिक छात्रावास बनाए। खेल किट के लिए दिए धनराशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। ओलंपिक खेलों में पदक जीत कर लाने वाले खिलाड़ियों को कई तोहफे भी दिए। फतेहाबाद विधानसभा से बीजेपी के विधायक छोटेलाल वर्मा के एक कार्यक्रम में जूते चोरी हो गए। इसके बाद विधायक नंगे पैर तपती जमीन पर चलते दिखाई दिए। दरअसल विधायक छोटेलाल वर्मा शमशाबाद में थाना क्षेत्र के गांव में सती मेले का उद्घाटन करने गए थे और इस दौरान जब वह मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने बाहर जूते उतार दिए। मंदिर से बाहर विधायक वापस आए तो मंदिर के बाहर रखे हुए उनके जूते गायब थे। ऐसे में सभी लोग हैरान हो गए और चारों तरफ जूते तलाशने में जुट गए। आखिर में जब जूते नहीं मिले तो विधायक नंगे पैर ही अपनी कार तक पहुंचे। विधायक से जब जूते चोरी होने के बारे में पूछा गया तो बोले कि कोई गरीब होगा पहन गया होगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं विधायक जब बिना जूते के नंगे पैर तपते जमीन पर अपनी गाड़ी की ओर चले तो वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज शुक्रवार को सीतापुर जेल में पहुंचे। यहां शिवपाल ने सपा नेता जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की। बता दें कि गुरुवार को ही शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वे आजम खान से मुलाकात करेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि इतनी दिक्कत है तो वह उन्हें पार्टी से निकाल दें। उन्होंने कहा कि वे सपा के 111 विधायकों में से एक हैं और वह जल्द ही आजम खान से मुलाकात करेंगे, उचित समय आने पर वह फैसला करेंगे। वहीं आजम खान को लेकर शिवपाल ने कहा कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, राजनीतिक द्वेष में कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा पार्टी संगठन पर बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि चुनाव के बाद सभी समीक्षा करते हैं और जल्द ही नए संगठन का ऐलान किया जाएगा।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।